स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रंगना राव नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर का क्या सिंबल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कैंसर के बहुत सारे सिंबल होते हैं, अलग अलग कलर के रिबन्स होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो महिलाओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर होता है, वैसे तो सबसे अधिक जो कैंसर से होने वाली मौतें हैं उसमें जो फेफड़े का कैंसर है, जो लंग कैंसर है, वो आता है। लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स में सबसे कॉमन पाया जाने वाला कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। तो आज हम देखेंगे कि जो ब्रेस्ट कैंसर है, इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो क्या होते हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब कि ऐसे कौन से कारक होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो ब्रेस्ट कैंसर मंथ है वो कब से कब तक मनाया जाता है, और इसमें किस कलर का रिबन जो है वो हम सिंबल के रूप में रखते हैं। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि जो नेशनल ब्रेस्ट कैंसर मंथ होता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो अगर हम देखें तो जो नेशनल ब्रेस्ट कैंसर मंथ होता है, इसकी शुरुआत की गई 1985 से हर ईयर जो नेशनल ब्रेस्ट कैंसर मंथ है वो मनाया जाता है। इसका मेन मोटो होता है कि जो भी ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनको इसके बारे में जागरूक किया जाए, जिससे जो भी इसके सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो पहले से इसके बारे में जान सकें, और जो भी ये ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी होने के चांस है उनको कम किया जा सके। क्योंकि अगर बीमारी होने से पहले ही हम उसके लक्षणों को अच्छे से जान लेंगे तो फिर हम उसको अच्छे से ट्रीट भी कर सकते हैं। तो अगर कोई फीमेल्स है तो वो खुद भी अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती है घर पे रह के ही, उसे किसी भी डॉक्टर के किसी भी नर्स की जरूरत नहीं होती है। वो एक टेक्निक होती है जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं नेशनल ब्रेस्ट कैंसर मंथ की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1985 से, और ये हर साल 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है। पूरे एक महीने यह अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, जो रिलेटेड होता है किससे, ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस से। अब अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर सिंबल की, कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो किस कलर के रिबन से दर्शाया जाता है। जैसे कैंसर का जो सिंबल है वो रिबन है, लेकिन हर कैंसर के लिए अलग अलग कलर के जो रिबन है उनका यूज किया जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए पिंक कलर का जो रिबन आता है उसका यूज किया जाता है, और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये हो गया ब्रेस्ट कैंसर का सिंबल, और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पिंक कलर का होता है, मतलब गुलाबी कलर का होता है। अगर गुलाबी कलर का सिंबल है रिबन का, तो समझ जाइए कि ब्रेस्ट कैंसर को दर्शा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर की, मतलब ऐसे कौन से कारक हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं, तो अगर हम देखें इसके रिस्क फैक्टर, तो इसमें फर्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अगर किसी भी महिला के परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, जैसे मम्मी को, दादी को, नानी को या फिर परदादी को, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस अधिक रहते हैं। नेक्स्ट इसमें सेकंड है अर्ली एज ऑफ मेनार्की, मतलब कि अगर कोई बच्ची है, गर्ल्स है, अगर उसको प्यूबर्टी की एज से पहले ही उसका जो फर्स्ट मेंसेस पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे नॉर्मली लड़कियों को 12 साल के बाद पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, लेकिन अगर किसी भी लड़की को 9 साल 10 साल में पीरियड्स स्टार्ट हो गए, कम उम्र की अवस्था होती है उसी में उसको पीरियड्स आना स्टार्ट हो गए, तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस अधिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को पहले, मतलब कि अगर समय से पहले ही उसको पीरियड्स आ गए हैं तो उसको ब्रेस्ट कैंसर हो ही, ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक संभावना पाई जाती है। ये एक ऐसा कारक दर्शाता है कि मे बी इसकी वजह से आगे चल के उसको ब्रेस्ट कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है ओल्डर एज ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है
कि जो अंतिम मासिक चक्र होता है, जैसे महिलाओं को 45 वर्ष के बाद जो मासिक चक्र है वो आना बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी महिला में ये और ज्यादा समय तक जाता है, मतलब 50 की अवस्था तक जाता है, तो उन महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क अधिक होते हैं। अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए कि जो ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्या है ये अधिकतर उन्हीं महिलाओं में पाई जाती है जिनकी एज 35 प्लस है, मतलब 35 साल के बाद जो ब्रेस्ट कैंसर है इसके होने के रिस्क बढ़ते हैं। उसके पहले बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्या पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अधिक उम्र की महिलाएं हैं उनमें ये अधिक होता है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन कैंसर। अब जो ओवेरियन कैंसर है ये किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर के लिए ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि जो ओवरी होती है, ओवरी का मतलब होता है कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय से जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं ये रिलीज होते हैं, और यही दोनों हार्मोन्स जो ब्रेस्ट होता है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर किसी भी महिला को जो अंडाशय है उससे संबंधित कैंसर है तो जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगा, डिसबैलेंस होगा, उसका सीधा प्रभाव ब्रेस्ट पे भी पड़ेगा, और इस वजह से अगर किसी भी फीमेल को ओवेरियन कैंसर हुआ है तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पे ये बात कही गई है कि अगर महिला को पहले ओवेरियन कैंसर हुआ है तो उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस ज्यादा होते हैं, ज्यादा रिस्क होता है। एंड फिफ्थ है प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम 17, मतलब कि जो क्रोमोसोम 17 होता है, गुणसूत्र 17 नंबर का होता है, अगर किसी महिला में ये पाया जाता है तो इसकी वजह से जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। ये सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल होता है, जो क्रोमोसोम 17 है ये सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए। इसके साथ ही एक और होता है जिसको हम बोलते हैं BRCA1G। BRCA का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेस्ट कैंसर 1 जीन। तो जिन महिलाओं में BRCA1G पाया जाता है उन महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क सबसे अधिक होता है। इसके साथ ही एक और जीन होता है जिसको हम बोलते हैं BRCA2। तो जो BRCA2 होता है ये अधिकतर जो स्टोन कैंसर होता है, गाल ब्लैडर का कैंसर होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की, तो अगर किसी महिला में BRCA2 पाया जाता है तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क सबसे अधिक होते हैं। ये जो यहाँ पे दो पॉइंट दिया गया है फिफ्थ एंड सिक्स, ये सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेस्ट कैंसर किसी भी महिला में होने के लिए। अगर ये है तो इसका मतलब कि जो फीमेल होगी उसको ब्रेस्ट कैंसर जरूर से जरूर होने का रिस्क रहता है। नेक्स्ट इसमें सेवंथ पॉइंट है नली पैरिटी। नली पैरिटी का मतलब होता है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने प्रेगनेंसी तो कंसीव की, वो प्रेग्नेंट हुई लेकिन वो अपने बच्चे को डिलीवर नहीं कर पाती हैं, किसी भी वजह से उनका बच्चा एबॉर्ट हो जाता है, उनका मिसकैरेज हो जाता है, या फिर आईओडी हो जाता है, मतलब कुछ भी ऐसा होगा कि उनका जो बेबी है वो पूरे टाइम ड्यूरेशन पे उसका बर्थ नहीं होता है, वो प्रेग्नेंट होंगी लेकिन किसी भी जीवित बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं। तो ऐसी महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस अधिक रहते हैं, क्योंकि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान उसके शरीर में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो एक्सेसिव अमाउंट में बनते हैं, बहुत ऐसे होते हैं जो कम अमाउंट में बनते हैं। उसके साथ ही जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उसके ब्रेस्ट का ग्रोथ भी अधिक होता है, साथ ही उसमें मिल्क का जो है फॉर्मेशन होने लगता है, जो मिल्क डक्ट होती है उनमें मिल्क बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बीच में ही ये प्रोसेस रुक जाए, अगर जो उसकी प्रेगनेंसी है वो बीच में ही लॉस हो जाए, तो फिर क्या होगा कि सारा प्रोसेस वहीं पे बंद हो जाता है। इस वजह से जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो मिल्क डक्ट होती है फिर वो अपनी जगह पे भी स्टेबल हो जाती है, वहां पे जो मिल्क प्रोडक्शन चल रहा था वो क्या है बंद हो जाता है। अब उसको पुनः अपने स्टेज में आने में समय लगता है, या तो फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, या फिर ऐसी बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं जिसकी वजह से फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी महिला है जो प्रेग्नेंट हो रही है बार बार लेकिन
वो जीवित बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, तो ऐसी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके साथ एक और मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं नली ग्रेविडा। तो नली ग्रेविडा का मतलब होता है कि ऐसी महिलाएं जो एक बार भी प्रेग्नेंट ना हुई हो, उनका ग्रेविडा का मतलब होता है कि उनका जो गर्भाशय है वो एक बार भी गर्भवती वो नहीं हुई है, वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाई है। नेक्स्ट इसमें 8th पॉइंट है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब कि जो महिलाएं बहुत ज्यादा हेल्दी होती हैं, बहुत ज्यादा मोटी होती हैं। अगर मान लीजिए कोई फीमेल है, अगर उसकी जो हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंग अगर उसका वेट नहीं है, उसका बीएमआई बहुत अधिक है, तो फिर हम उनको बोलेंगे कि ऐसी जो महिलाएं होती हैं उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस बहुत अधिक रहते हैं, बहुत अधिक उनको रिस्क रहता है। 9th पॉइंट है एक्सेसिव यूज ऑफ एनिमल फैट। मतलब कि जो महिलाएं बहुत अधिक मात्रा में एनिमल फैट का यूज करती हैं, उन महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क अधिक होते हैं। नेक्स्ट इसमें 10th एंड लास्ट पॉइंट है इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का मतलब होता है कि जो गर्भाशय की इंडोमेट्रियम लेयर होती है उसकी लाइनिंग पे जो होने वाला कैंसर होता है, जिसकी शुरुआत इंडोमेट्रियल लाइनिंग से होती है, ऐसे कैंसर को हम इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कैंसर कहते हैं। तो अगर किसी भी महिला को ऐसी समस्या है तो उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क अधिक रहते हैं। जो इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की बात यहाँ पे कही जा रही है, ये अधिकतर उन महिलाओं में देखने को मिलता है जिनकी उम्र 50 या 55 से अधिक है। इससे कम एज की जो महिलाएं होती हैं उनमें ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, लेकिन 50-55 के बाद फिर ये फीमेल्स में देखने को मिल जाता है। तो और कोई भी महिला है जो इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा से ग्रसित है, तो ऐसी महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क अधिक होते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 ऐसे पॉइंट देखे जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर के रूप में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब अगर कोई भी ऐसी महिलाएं हैं जिनमें ऐसे फैक्टर्स दिख रहे हैं तो मे बी उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये है तो उन्हें हो ही, बस ये एक रिस्क फैक्टर बता रहा है, एक कारक बता रहा है कि मे बी इसकी वजह से उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी फीमेल्स में इस तरह की किसी भी तरह कोई बीमारी दिखती है तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क बढ़ सकते हैं, इसलिए वो पहले से ही सावधान रहें, टाइम टू टाइम अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाती रहें, या फिर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी वो घर पे कर सकती हैं बिना किसी हेल्प के। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।